डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस आवर स्कूल हैज डिसाइडेड टू टीच ऑनलाइन क्लासेस। सो फ्रॉम टूडे आई विल टीच यू ऑनलाइन क्लास। आई एम योर टीचर ऑफ कांस वैली जूनियर सेकेंडरी स्कूल एंड माई सेल्फ अभिषेक दुबे। सो लेट्स स्टार्ट एंड द क्लास इज क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन फर्स्ट नाउंस। सो लेट्स बिगिन। First of all, we will discuss what is noun. So all of you know that a noun is the name of a person, a place, an animal, a thing, a quality or an idea. For example, Ram is playing football in the park. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि noun क्या होता है। आप लोग शुरू की क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। noun क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को noun कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ ऐड किया गया, एक क्वालिटी और एन आइडिया, मतलब कि किसी में कोई गुण भी दिखाई दे रहा है। मान लें कोई बहुत ईमानदार है तो वो भी क्या, वो भी नाउन हुआ हमारा। कैसे, वो हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। आइडिया भी नाउन हुआ। एग्जांपल क्या है? राम पार्क में फुटबॉल खेल रहा है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर तीन वर्ड्स अंडरलाइंड हैं। अब जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं उन पर आप ध्यान दीजिए। पहला है राम। अब राम क्या है? राम किसी पर्सन का नेम है तो वो क्या हुआ? नाउन हुआ। अगला है फुटबॉल। फुटबॉल क्या है? किसी थिंग का नेम है तो वो भी क्या हुआ? नाउन हुआ। एंड नेक्स्ट क्या है? पार्क। तो पार्क क्या है? किसी प्लेस का नेम है तो वो भी क्या हुआ? नाउन हुआ। तो इस प्रकार हम नाउन को समझ सकते हैं। सो हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक होगी वो हमारी होगी टाइप्स ऑफ नाउन्स, मतलब कि नाउन के कितने टाइप होते हैं। देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन के छः टाइप होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन। ये नाउन के सिक्स टाइप हुए। आपको इन सब को अपने माइंड में फिट करना विद स्पेलिंग। आप अपनी फेयर कॉपी में इसको राइट कीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न करिएगा। अब हम इन सब के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हमारा होगा कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज द जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग। एग्जाम्पल है बॉय, टीचर। हम एक काम करते हैं, हम आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन इन दोनों को एक साथ समझाते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आ सके, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आपको मिलेगा केवल। जैसे प्रॉपर नाउन क्या है? ए प्रॉपर नाउन इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, एन एनिमल और ए थिंग। एग्जाम्पल है राम इंडिया। समझते हैं कैसे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसी जाति को, किस जाति की तरफ संकेत करता है। अब प्रॉपर नाउन किसी एक पार्टिकुलर पर्सन या थिंग की तरफ इंडिकेट करता है। जैसे कि एग्जांपल है बॉय। अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने माइंड में आप बॉय सोचो, जब आपने बॉय सोचा तो आपके दिमाग में बहुत सारे बॉय आ रहे होंगे। जैसे आप फ्रेंड्स हैं तो सारे फ्रेंड्स आएंगे। बट अगर हम किसी एक आपके फ्रेंड का नाम ले लें, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राम, और जब मैंने राम बोला तो सभी तो राम हो नहीं सकते। राम कोई एक स्पेशल पर्सन हुआ, वो आपके माइंड में आएगा। तो जब मैंने बॉय बोला, बॉय क्या हुआ? बॉय एक पूरी लड़के की जाति का बोध कराया, तो वो क्या हुआ? कॉमन नाउन। बट जब मैंने बोला राम तो राम किसी एक पर्सन का बोध करा रहा, तो वो क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अगला एग्जाम्पल है टीचर। जब मैं कहूँगा टीचर तो टीचर से आपके दिमाग में बहुत सारे टीचर आएंगे, जो भी आपको पढ़ाते हैं सारे टीचर्स आएंगे। बट अगर मैं आपसे कहूँ जैसे अभिषेक दुबे, अब जब मैंने बोला अभिषेक दुबे तो आपके दिमाग में कौन आएगा? आपके दिमाग में मैं आऊँगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी एक स्पेशल पर्सन का नेम हुआ। फॉर एग्जांपल अगला एग्जांपल मान लें मैं कह रहा हूँ कि कंट्री। जब मैंने कंट्री कहा तो आपके माइंड में बहुत सारे कंट्रीज हैं। जब मैंने कह दिया इंडिया तो इंडिया से क्या हुआ? आपके दिमाग में अपना इंडिया आया। तो कंट्री क्या हुआ? कॉमन नाउन। इंडिया क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। इस प्रकार हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझ सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स। एग्जांपल क्लास आर्मी। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ये समूह को दर्शाता है। और समूह कैसे? एक ही तरह के समूह होने चाहिए। सपोजेट अगर मैं बात कर रहा हूँ बच्चों तो केवल बच्चों का समूह, मैं बात कर रहा हूँ किसी जानवर तो उस जानवर का समूह। तो ये समूह को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल क्लास। अब मान लीजिए क्लास की बात करते हैं तो मान लीजिए केवल एक 25 क्लास तो बनता नहीं है। जब बहुत सारे बच्चे बैठते हैं उसमें आता है टीचर पढ़ाता, तो वो क्या हुआ? एक क्लास कराता हुआ। तो क्लास में क्या हुआ? बच्चों का समूह। आर्मी, जब मैं आपसे आर्मी कह रहा हूँ तो आर्मी में क्या हुआ? जब बहुत सारे सोल्जर्स मिलते हैं एक साथ तो क्या होते हैं?
आर्मी होते हैं। तो इस प्रकार ये कलेक्टिव क्या होता है, समूह को दर्शाता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ एन आइडिया, ए फीलिंग और ए क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन नॉट बी सीन और टच्ड, फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, लव। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, बट जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी। अब कोई आदमी है वो ईमानदार है, तो क्या उसकी ईमानदारी को हम छू सकते हैं, क्या देख सकते हैं? नहीं ना, लेकिन उसको महसूस तो कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत ईमानदार है। जैसे बात करते हैं लव, सपोज डैट कि आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती है, तो क्या वो प्यार आपको दिखता है या क्या आप उस प्यार को छू सकते हैं? नहीं, आप उस प्यार को महसूस कर सकते हैं। तो ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट नाउन। ये शायद आपके लिए थोड़ा सा नया होगा, आपने शायद इसके बारे में न पढ़ा हो। तो कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है वो देखते हैं। ए नाउन डैट रिफर्स टू ए पर्सन, प्लेस और थिंग विच कैन बी सीन, टच्ड, स्मेल, टेस्ट और फेल्ट बाय द सेंस इज कॉल्ड ए कॉन्क्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ड्रेस, मैंगो। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट नाउन की। कॉन्क्रीट नाउन जैसे हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ड्रेस। अब जिनको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, स्मेल यानी कि महक भी सकते हैं, टेस्ट यानी उसका टेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर ये सारी चीज़ हम इस पर कर सकते हैं, तो वो हुआ कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा, क्योंकि मान लीजिए बात करते हैं ड्रेस या मैंगो, तो ये आपके अदर नाउन के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट ये कॉन्क्रीट नाउन भी होंगे, क्योंकि हम इनको इतनी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं मैंगो की। अब मैंगो मान लीजिए, मैंगो का आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, कर सकते हैं, स्मेल, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट करते ही हैं, तो मतलब वो देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ हम कर सकते हैं, तो क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन हुआ। और लास्ट वन आपका है मटेरियल नाउन। क्या होता है मटेरियल नाउन? तो बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ए सब्सटेंसेस फ्रॉम विच कॉन्क्रीट थिंग्स आर मेड, एग्जाम्पल वुड, मिल्क। बात करते हैं क्या होता है मटेरियल नाउन। जैसे मटेरियल नाउन क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक पदार्थ से अन्य वस्तुओं का निर्माण करना। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, वुड, लकड़ी। अब लकड़ी से हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे लकड़ी से मान लीजिए हमने कुर्सी बनाया, कोई फर्नीचर बनाया, तो लकड़ी की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो जब किसी एक चीज़ से अन्य चीज़ों का निर्माण होता है, तो क्या होता है मटेरियल नाउन। अगला एग्जाम्पल है मिल्क। अब मिल्क मान लीजिए दूध, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है। हम दूध से घर में चाय बनता है, दूध से मान लीजिए पनीर बनता है, दूध से मिठाइयाँ बनती हैं, तो दूध से बहुत सारे काम होते हैं। तो जब किसी एक चीज़ से अन्य चीज़ें बनती हैं, तो क्या होता है मटेरियल नाउन होता है। तो इस प्रकार हमारा ये टाइप्स ऑफ नाउन टॉपिक क्लियर होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से माइंड फिट कर लीजिएगा, लर्न करिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपके चैप्टर का लास्ट चल रहा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। बात करते हैं क्या होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन। बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। काउंटेबल नाउन नाम से क्लियर है, काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकें। ए काउंटेबल नाउन इज ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग डैट कैन बी काउंटेबल। मतलब क्या होता है, एक किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जिसको हम काउंट कर सकते हैं, क्या होता है काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल डॉग, मान लीजिए डॉग मतलब कुत्ता, तो डॉग को काउंट कर सकते हैं कि डॉग है। पैरट काउंट कर सकते हैं, तो ये होता है काउंटेबल नाउन। और लास्ट वन है आपका है अनकाउंटेबल नाउन। नेम से क्लियर है कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल है मिल्क, मान लीजिए दूध है, दूध हम कैसे काउंट करें, कितना दूध है, एक दूध है, दो दूध है, नहीं काउंट सकता। नॉइस मान लीजिए हल्ला हो रहा है, तो कैसे काउंट करें कितना हल्ला हो रहा है। तो ये चीज़ें क्या है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो ये आपकी टॉपिक यहाँ पे समाप्त होती है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, माइंड में फिट करिए, और आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इस लेसन का सॉल्यूशन दूंगा। तब तक आप अपने मन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जब मेरा वीडियो जाएगा आपके पास, तो आप उसे मैच करिएगा कि आपने कितनी सही की है, कितनी गलत की है। ओके, थैंक यू क्लास।